जय हिंद दोस्तों, एनजीसीएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस सिंपल सा मॉडल को बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। इसका ड्राइंग एंड डायमेंशन से यहाँ पे गिवन है, इसको पॉज करके अच्छे से देख लें। आ जाते हैं अपने पार्ट फाइल न्यू में, ओपन कर लेते हैं और यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके और यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और इसका डायमेंशन हम देते हैं। डायमेंशन हमें गिवन है 150 150 एंड इसका विड्थ दिया है 35। ओके, यहाँ से सेंटर लाइन चूज कर लेते हैं और ये हॉरिजेंटल सेंटर लाइन एक यहाँ पे कर लेते हैं और एक वर्टिकली भी सेंटर लाइन ले लेते हैं। यहाँ से वर्टिकल, ओके। यहाँ पे एक सर्किल, अगेन एक सर्किल, दो सर्किल हमें बनाना है। यहाँ से इसका डिस्टेंस हमें दिया है 10 mm, 10 mm डिस्टेंस दिया है और इसका रेडियस हमें 5.5 गिवेन है। अब इसके और दोनों सर्किल के सेंटर को करके और वर्टिकल पोजीशन पे कर लेंगे और दोनों सर्किल को सेलेक्ट करके और इक्वल कर लेंगे। ओके, और ये डिस्टेंस हमें गिवन है, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये 20 गिवन है। 10 10 यहाँ से यहाँ तक का 10 गिवन था। अब ओके, अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्लॉट यहाँ से एक स्लॉट सेलेक्ट करते हैं ओके। इसको इस लाइन को सेलेक्ट करके और ये हॉरिजॉन्टल स्मार्ट डायमेंशन ये 9 गिवेन है और ये लेंथ हमें 10 गिवेन है और यहाँ से यहाँ तक का हमें 25 गिवेन है। और ये हमें सिक्स एंड सॉरी इसको इसको डिलीट कर लेते हैं, स्केप, इसको डिलीट कर लेते हैं स्मार्ट डायमेंशन और यहाँ से यहाँ तक ये हमें 5.5 गिवेन है। ओके, ये स्केच हमारा फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, लीनियर पैटर्न में एक्स एक्सिस और ये हमें थ्री क्वांटिटी में पैटर्न क्या चाहिए, ये पैटर्न डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे और स्पेस हमें चाहिए 20 40 एंड 40 40। ओके, ये दोनों 40 हो गए। अब हम अगेन मिरर एंटिटीज का यूज करेंगे, क्लियर सेलेक्शन और इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोनों सर्किल को और मिरर अबाउट दिस लाइन। ओके,
अब हम सिंपल यहाँ पे फिलेट चैम्फर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके चैम्फर है और चैम्फर C2 का 4 चैम्फर है, तो 2 सेट कर लेंगे। यहाँ पे भी अगेन, यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे भी ओके और यहाँ पे भी ओके कर लेंगे। ये स्केच हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करते हैं और हमें एक्सट्रूड करना है 8 mm तक, तो 8 mm ओके, और ये एक ही बार में हमारा मॉडल बनके रेडी हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।